सागर के परसोरिया रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खड़ेरा भान में बीती रात 49 रुपए के मोबाइल रिचार्ज को लेकर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। जिसमें जनकू अहिरवार, गोवर्धन अहिरवार, कपिल अहिरवार ने अपने गांव के ही ओम प्रकाश सेन, लखन सेन, ओम प्रकाश की पत्नी सविता और मां अनीता सेन पर छब्बल और डंडे से हमला कर दिया, जिससे चारों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। घायलों को डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ओम प्रकाश सेन को सागर जिला अस्पताल से भोपाल हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। सनौधा थाना प्रभारी अनुपमा शर्मा ने रात में ही कार्यवाही कर धारा 307, 323, 324, 506, 34, 294 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अनकू अहिरवार, गोवर्धन अहिरवार, कपिल अहिरवार की तलाश शुरू कर दी। कल जो है रात्रि में करीब 8-8:30 बजे जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम खड़ेरा में विवाद हो गया है। इसमें सबसे पहले डायल 100 मौके पर पहुंची थी, तो ये पाया गया था कि उसमें जो लखन सेन के द्वारा ये इवेंट बताया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके भाई ओम प्रकाश और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में जो है गाँव के ही कुल 3 लोगों के द्वारा जो है मोबाइल रिचार्ज को लेकर, इसमें एक जंकू अहिरवार हैं और दो अन्य लोग हैं, मोबाइल रिचार्ज को लेकर मारपीट और तेज धारदार हथियार से सब्बल के द्वारा हमला किया गया है। घटना में जो है ओम प्रकाश ये सेन गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य घायलों को भी जिला अस्पताल भेजा गया। ओम प्रकाश को BMC रेफर कर दिया गया और इसमें प्रकरण जो है कायम किया गया है, उसकी देखना भी की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।